नमस्कार छात्रों, वृंद के दोहे। आज मैं आप लोगों को संपूर्ण पाठ बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही एक अच्छा दोहा है। इसमें कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसा वृंद जी ने इसमें बताया है। आंखें मन की सच छूट पाते बता देती है, जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, ऐसा वृंद जी इस दोहे में बताते हैं। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए, बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। वृंद जी ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही पड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अतः पाठ को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे उन विद्यार्थियों तक अवश्य शेयर करें जिन्हें इसकी अति आवश्यकता है। अतः आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे तो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। कवि वृंद जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है, और खर्च ना करने पर वह घटता जाता है। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने बांटने से नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके ज्ञान बांटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया से ज्ञान में कम में और अधिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि ज्ञान बढ़ता ही जाता है। जितना भी हम इतने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, एक दूसरे तक पहुँचाएँगे, हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ते जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। देत बताए शब नैना देत बताए शब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल अर्षी भली बुरी कही देत। कवि वृंद जी कहते हैं कि आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है, प्रकट कर देती है। अर्थात मन यानी कि हृदय के अच्छे बुरे भाव आंखों में दिखाई देता है, जैसे स्वच्छ साफ सुथरा आईना हमारी छवि की अच्छी बातों को बताता है। अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जीती लाभी सौर। कवि वृंद जी कहते हैं कि अपनी पहुंच क्षमता व सामर्थ्य को पहचान कर उसके ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करना चाहिए, जैसे हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी या लंबी हमारी चादर हो, अन्यथा परेशानी होती है और हमें वह नहीं मिलता है जो हम पाना चाहते हैं। इसलिए उतना ही पैर बताइए जितनी लंबी आपकी चादर है। फेर न हवे है कपट सो, फेर न हवे है कपट सो, जो की जो वह पाओ, जो की जो व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा ना लिए। छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। यदि छल कपट के साथ व्यापार किया जाए तो ग्राहक वस्तुति या सच्चाई से अवगत होने के बाद दूर चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता है। जैसे लकड़ी काठ की हांडी अगर आप पर एक ही बार चढ़ी है, बार बार क्यों नहीं, लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि अब किसी भी कार्य में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम छल कपट का सहारा लेते हैं तो वह हमारे जीवन में बुरा प्रभाव डालता है। ऊँचे बैठे ना लहे गुनमिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। वृंद जी कहते हैं कि कवि वृंद जी कहते हैं कि सिर्फ ऊँचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के ऊपरी शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है। छोड़िए पर आशा की मौत है कि दूसरे का भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना बिल्कुल उचित नहीं है।
ठीक उसी प्रकार जैसे बादलों को घेरते देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। कछु कही नीच न छेड़िए, कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। कवि वृंद जी कहते हैं कि दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति की संगति में रहना अच्छा नहीं होता और कुछ कहकर उसे छेड़ना श्रेयस्कर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही उछल कर पड़ता है और हमें ही गंदा कर देता है। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यांश लौ अस्त हो तु है भान। कवि वृंद जी कहते हैं कि जो ऊंचाई पर ऊंचे पद पर पहुंचता है उसका नीचे उतर आना ही उतना ही स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार जैसे दोपहर के समय तपा हुआ तमत माता सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है, डूब जाता है। जो जाको गुण जान ही सोती ही आदर हेत, कोकिल बंदी लेत है का निबोरी लेत। कवि वेद जी कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार वह आदर प्रदान करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल आम का चयन करती है और कर्कश ध्वनि के कारण कौवे निबोरी नीम के फल का चयन करते हैं। आप आकर्ष आपनो करत कबूत के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। कवि वृंद जी कहते हैं कि अविवेक या नासमझी के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक या नुकसानदायक सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपने अविवेकता व मूर्खतापूर्ण कार्य से अपना नुकसान कर लेता है, अर्थात अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। कुल कपूत जाने ऊपर लखी शुभ अलक्षण गात, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। कवि वृंद जी कहते हैं कि पालने में ही बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे अर्थात कपूत या सपूत होने का पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तम बीज के पौधे का अनुमान उसके चिकने व स्वस्थ पत्तों को देखकर लगाया जाता है या लगा लिया जाता है। अतः आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस पाठ को यही समाप्त करती हूँ। अगला पाठ का स्वाध्याय अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।